फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, यही कारण कि समाज में जो कुछ भी घटता है, जो भी घटनाएं घटती हैं, उसका अक्स अक्सर हमने फिल्मों में देखा है। अभी एक फिल्म है जो लगातार चर्चे में है, उसकी जो वजह है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं दुनिया में, लेकिन जो सेक्स की समस्याएं हैं उस पर आधारित फिल्में बहुत कम बनती हैं, और बनती भी हैं तो उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो छूट जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक ऐसी फिल्म है जिसका नाम है द इंटरनेशनल प्रॉब्लम, और उस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं डॉक्टर जगदीश वाघेला। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार जी। आपकी फिल्म ने पूरे सोसाइटी को जगाने का काम किया है। बहुत सारे लोग, अभी हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर खुलकर आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आपकी फिल्म देखने के बाद हमारे अंदर हिम्मत आई और हम आपसे खुलकर सवाल करते हैं। ये फिल्म का ये प्लस पॉइंट कह सकते हैं इसको? ये इस फिल्म के प्रमोशन ही कह सकते हैं, फिल्म का प्लस पॉइंट कह सकते हैं कि इस फिल्म के कारण लोगों में कुछ जागरूकता पैदा हुई, लोग समझने लगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्व करना चाहिए। ये बताइए, फिल्म में आपने किन किन विषयों पर ध्यान दिया है? कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं क्या इसमें? शायद कुछ छूटा होगा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिए एड्स, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे बचा जाए। तो मेरी फिल्म से अगर 1000 आदमी बच जाते तो मैं समझूंगा मेरा फिल्म बनाने का मकसद सफल हुआ। रिस्पॉन्स कैसा मिला अगर मुंबई के बाहर की बात करें तो? अभी तक तो ठीक ठीक चल रहा है, लोगों को पसंद, जो लोग देख रहे हैं पेपर के रिव्यू वगैरह आ रहे हैं न्यूज़ के, काफ़ी अच्छा लोगों को लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि फिल्म ठीक ठीक है, लोगों को पसंद आ रही। मैं तारीफ करूँगा फिल्म की, वो जानती होगी, लोग कह रहे हैं फिल्म ठीक है। लेकिन अक्सर कहा गया है कि जब इस तरह के विषय होते हैं तो बहुत ही भारी फिल्म जाती है, बोझिल हो जाती है, लेकिन इंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा है। आप इस तरह को, इस विषय को, बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको, उसमें आपने इंटरटेनमेंट डाला, तो दिमाग में क्या चल रहा था उन दिनों? सर सोचा पब्लिक देखेगी नहीं आएगी, पता नहीं हल्ला ना मचे, कोई पसंद आएगा नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करते गया, लोग साथ जुड़ते गए, एक एक बात कहते, काम काम को सिखाता है, करते करते फिल्म एक अच्छी बनी, लोगों को पसंद आई। अभी जो भी पेशेंट आते हैं तो आप मानते हैं कि फिल्मों का भी बहुत बड़ा, इस फिल्म का भी योगदान है? फिल्म के काफ़ी लोग, फिल्म के कारण फोन आ रहे, इंक्वायरी आ रही, ये फिल्म आपने बनाई, हमें कुछ मिलना है, पूछना है, लोग मिलने वाले, सलाह लेने वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं। पेशेंट कम आ रहे हैं जी, पेशेंट की कमी, लेकिन जो जानने वाले, समझने वाले, भाई कुछ समस्या है, पूछने आ रहे हैं डायरेक्ट फोन करके। आप तो फ्री में, आप बगैर फीस लिए हुए जवाब देते हैं? सब जवाब देना ही पड़ेगा सर, जो कुछ पूछेगा, आप सवाल पूछिए, आज रास्ते में चल रहे, एड्रेस पूछेगा, दिखाना ही पड़ता है, मानवता के नाते जवाब देना ही पड़ेगा। चलिए, आने वाले दिनों में और क्या क्या तैयारी करने वाले, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई लोगों की। सर एक फिल्म कर रहा हूँ, द ब्लाइंड वर्ल्ड, अंधश्रद्धा पर एक सब प्रकाश डालने की कोशिश की है, कोशिश कर रहा हूँ, आगे भगवान की मर्जी, आप सबका साथ रहा तो जरूर बन जाएगी। वाकई आज के दौर में बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन सेक्स की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। सेक्स से जुड़ी जो समस्याएं होती है डॉक्टर साहब, किस तरह के ज़्यादातर पेशेंट आते हैं आपके पास? अधिकतर शीघ्र पतन, संतान का न होना, डायबिटीज के कारण कमजोरी, मोटापा, जोड़ों में दर्द, शारीरिक तकलीफ है, और काफ़ी ये समस्या लोग जूझते हैं, किसको बताते नहीं। अब फिल्म देखकर लोगों के दिमाग में आया कि हमने इसका इलाज करना चाहिए, लोग आ रहे, इलाज हो रहा है इनका। अच्छा, हमने सुना है कि सेक्स की जो बीमारी होती है, जो वहम होता है, मन में भ्रम होता है, सिर्फ दिमागी खेल है ये, क्या दवाई से उसका असर हो सकता है या फिर मानसिक रूप से उसका असर होता है? दो प्रकार की बीमारी आती है शीघ्र पतन में, एक शारीरिक, मानसिक। मानसिक को तो काउंसलिंग द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन शारीरिक जो है उसको दवाई लगती है। सो उम्र के हिसाब से 50-55-60 साल की एज है और उसको कमजोरी है तो वहाँ मानसिकता काम नहीं करेगी, वहाँ दवाई ही जरूरी है, वो ठीक होती है। समाज को बदलने की दिशा में आप कारगर हैं? कोशिश कर रहा हूँ सर, कोशिश है मेरी, कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप सबका साथ रहा जरूर हो जाएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया और आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वाकई सेक्स एक ऐसी समस्या बन गई है जिस पर इन्होंने फिल्म बनाई और उसका नाम रखा है द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। हम दुआ करेंगे कि इस तरह की जो भी फिल्में बनती हैं उससे समाज को कोई ना कोई सबक जरूर लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनींद्र आशुतोष, इन24 न्यूज़, मुंबई।